सबसे खराब स्थिति दुश्मनों के बीच नहीं तथाकथित प्रियजनों के बीच होती है। प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे जीवन को पोषित करना चाहते हैं कोई राय बनाए बिना। ये पोषण का रिश्ता होना चाहिए, न कि राय थोपने का। यह आपके प्रियजन नहीं हैं, यह आपके एक्स्ट्रा हाथ पैर हैं। आप दो पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, तो आपको चार की जरूरत है, या आठ या बारह, न जाने कितने। ये एक्स्ट्रा हाथ पैर हैं, और जब ये हाथ पैर ठीक तालमेल में नहीं होते तो वो उलझ जाते हैं। चार या पांच दिमाग घर में, चार या पांच पावर सेंटर हैं, और उनके अच्छे तालमेल में होने के लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। इसे करने का एक तरीका है, इसे बड़े पैमाने पर जुड़ाव के साथ करना, भावना के स्तर पर नहीं। भावनात्मक जुड़ाव बस निर्भरता लाता है। भावना आनंद उठाने वाली चीज है, ये जीवन का रस है। भावनाओं से काम करने की कोशिश मत कीजिए, आपको उनसे काम नहीं कराना चाहिए। आप अपने विचारों से काम कर सकते हैं, आप अपने शरीर से काम कर सकते हैं, अपनी भावनाओं से काम करने की कोशिश न करें। जब भी आप अपनी भावनाओं से काम कराने की कोशिश करते हैं, आपकी परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, है ना? हाँ या ना? शुरू में आई लव यू काम करता है, कुछ समय बाद आप भावनाओं से अपना काम कराने की कोशिश करते हैं। आप उनसे काम कराने की जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, आपका जीवन उतना ही खराब हो जाता है, क्योंकि भावना काम करने के लिए नहीं है। भावना बस आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए है। आपके विचार और आपके शरीर को काम करना चाहिए। भावनाएं बस मौजूद हैं। ये एक फूल की तरह है जिसे आप अपने बालों में लगाते हैं, अब कोई नहीं लगाता, ठीक है? आप इन फूलों से काम नहीं कराते, माइक्रोफोन काम करता है, कुछ और काम करता है। फूलों को काम करने की जरूरत नहीं है, वे बस मौजूद हैं। बस भावना ऐसी ही है, वो बस मौजूद है, सुखद और शानदार। अगर आप उससे काम कराना चाहते हैं, अगर आप अपनी भावनाओं से अपने आसपास से थोड़ा जीवन निचोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे बदसूरत होना ही है। तो अगर आपके पास एक काम करने वाला दिमाग नहीं है, अगर आप सोचने के काबिल नहीं है, तब काम कराने के लिए अपनी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, और ये कभी कभार काम भी कर सकती है। यही पूरी समस्या है। ये शुरू में काम करती है, और फिर आप उसे और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और फिर आपका जीवन इतना खराब हो जाता है, इतना ज्यादा खराब हो जाता है उन लोगों के बीच जिन्हें एक दूसरे का ध्यान रखना होता है। सबसे खराब स्थिति दुश्मनों के बीच नहीं, बल्कि तथाकथित प्रियजनों के बीच होती है। आप सहमत हैं या नहीं? क्या मैं आप पर बहुत कठोर हो रहा हूं? हाँ या ना? तो लोगों की अपनी राय होती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो आपकी कोई राय नहीं होनी चाहिए। प्यार का मतलब यही है। प्यार का मतलब है कि आप एक दूसरे जीवन को पोषित करना चाहते हैं कोई राय बनाए बिना। हम प्रियजन हैं, हमारी एक दूसरे के बारे में मजबूत राय है। नहीं, आप जीवन को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। एक राय एक तरीका है किसी व्यक्ति को एक जंजीर में जकड़ने का। प्यार का मतलब है किसी व्यक्ति को एक नई संभावना में विकसित करना। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, किसी भी तरह से ये साथ नहीं हो सकती। आप कभी कभार कुछ फैसले करते हैं उसे बेहतर ढंग से पोषित करने के लिए। आप घर में बच्चों को पाल रहे हैं, आपको कुछ फैसले करने पड़ते हैं जहां बच्चे अभी हैं, उसे अगली संभावना तक विकसित करने के लिए, उस पर राय कायम करने के लिए नहीं। जैसे ही आप एक राय बनाते हैं, आपको उस जीवन को एक नई संभावना में विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। आप बस अपनी राय की एक खोल में उसे जकड़ देना चाहते हैं, और आप निराश हो जाएंगे अगर वो आपकी राय पर न चले। नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता। अगर आप लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, तो ये पोषण का रिश्ता होना चाहिए, न कि राय का। ये इस तरह काम नहीं करेगा। बुनियादी प्रक्रिया ही गलत है। तो ये कैसे काम करेगा? संयोग से, स्थिति के नएपन के कारण, क्योंकि ये हनीमून टाइम है। ये कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन उसके बाद ये काम नहीं करेगा। तो अगर वाकई
ये एक प्यार का रिश्ता है तो कोई राय नहीं होनी चाहिए, केवल पोषण होना चाहिए।